नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पे मैं अरुण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। आई होप कि आज जो है बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ आई है, न्यूज़ क्या बल्कि नोटिफिकेशन आया है, तो उस संबंध में भी हम आपको बताएंगे। आपको पता है कि दोपहर में जो है एमपी पटवारी और जो भी ग्रुप टू सब ग्रुप फोर के तहत कुछ अदर जो ना पोस्ट का नोटिफिकेशन आप व्यापम ने जारी कर दिया है। रूल बुक जारी हुई है, आप लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था कि पटवारी एमपीएसआई अन्य प्रकार की नौकरियां नहीं आ रही हैं, तो आज ही ये जो है एमपी पटवारी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। उसके संबंध में मैं बताऊंगा आप लोगों को। 2700 कुछ पोस्ट जारी हुई, लगभग 2800 पोस्ट जो पटवारी की जारी हुई, तो आपके लिए बहुत ही शानदार न्यूज है। और ये एक अवसर है कि 2023 में आप कोई ना कोई नौकरी ले लेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करूंगा। ठीक है, और आप लोगों को शुभकामनाएं भी दूंगा कि आप लोग 2023 में जरूर कोई ना कोई एक पोस्ट उठा लें। क्लास को शुरू करें और उसके अलावा हम नोटिफिकेशन के संबंध में जो भी बातें करेंगे वो तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये है कि आप चैनल से फटाफट जुड़ जाइए, और जितने लोग जुड़ गए हैं वो चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जो भी आपके मित्र हैं, सहपाठी हैं, जो भी तैयारी करने वाले हैं एमबीबीएससी प्रीलिम्स, जो क्लास चल रही है हम लोगों के एमबीबीएससी प्रीलिम्स की चल रही है। क्रैश कोर्स आप लोगों को पता है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 का क्रैश कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो एमपीपीएससी चाहे प्रीलिम्स की हो, एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, फिर पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, जिसका नोटिफिकेशन आ जाया है, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है एमपीजी के। इसलिए चैनल की जो लिंक है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास से जुड़ पाएँ। आज बेहद महत्वपूर्ण क्लास है, इन्फॉर्मेशन तो हम देंगे, नोटिफिकेशन के संबंध में कुछ चीज़ें बताएंगे, साथ ही साथ जो एमपीजीके की क्लास है हमारी चल रही है, मध्य प्रदेश की योजनाएं एवं पंचवर्षीय, उसको भी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन फटाफट चैनल से जुड़िए, चैनल की जो लिंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फटाफट शेयर कर दीजिए, जोड़ दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। उसके 1 मिनट बाद हम शुरू करते हैं, ठीक है, टॉपिक को, और जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हम बताएंगे। तो फटाफट चैनल के लिंक को शेयर कीजिए, उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इन्फॉर्मेशन भी देंगे। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने क्लास से जो लिंक क्लास की वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दी होगी। चलिए ठीक है, आपको पता है बीपीएससी प्रीलिम्स का हम लोगों ने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें मैं अरुण कुमार आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूँ। 8 बज रहे हैं रात को, और हम मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे, जिसका संबंध आपके पूरे सिलेबस में बीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट नंबर 1, 3 एवं
फाइव से जो है संबंध है। इसके अलावा हम 9:15 में आपको पता है कि डेली आयोग की भी क्लास लेते हैं, है ना, आयोग की भी क्लास लेते हैं, तो उस क्लास से भी जुड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण क्लास चली। चलिए थोड़ा सा हम आपको इन्फॉर्मेशन दे दें एमपी पटवारी के संबंध में। एमपी पटवारी की रूल बुक आज जारी हो गई है, आपको पता है कि दोपहर में जारी हुई है, ठीक है। जो पटवारी में पोस्ट आई है लगभग 2700 कुछ 89 पोस्ट आई है ना। तो जो भी एमपी पटवारी की तैयारी कर रहा है या मध्य प्रदेश व्यापम की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी ये क्लास महत्वपूर्ण रहेगी, इसलिए एमपीजी के आपके काम की चीज़ है, ठीक है। तो आप इसे जरूर अटेंड कीजिए, क्लास को रेगुलर अटेंड कीजिए, क्योंकि आपको पता है मार्च में एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला। 2736 पोस्ट आई हैं यहाँ पे, ये आपके लिए एक अवसर है, ठीक है। इसके अलावा सब ग्रुप 4 के नाम से भी कुछ पोस्ट हैं, वो मुझे आइडिया नहीं है कितने पोस्ट है, आप रूल बुक देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये पटवारी के एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है जो जारी हुआ है, जिसके संबंध में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। वही है सीपीसीटी, एक ग्रेजुएशन है, पहले तो ग्रेजुएशन है, इसकी एलिजिबिलिटी, तो जो व्यक्ति ग्रेजुएट होगा वो इस एग्ज़ाम को दे पाएगा। इसके अलावा सीपीसीटी की डिमांड है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, लेकिन ये आप नौकरी प्राप्त करने के 3 साल बाद तक भी इसको दे सकते हैं, है ना। तो ये उसमें कुछ एलिजिबिलिटीज हैं। फॉर्म जो है वो जनवरी 5 जनवरी से भरे जाएंगे और 19 जनवरी तक भरे जाएंगे, ठीक है। और जो एग्ज़ाम होगी वो जो एग्ज़ाम की डेट है वो 15 मार्च से प्रारंभ डेट है, यहाँ से स्टार्ट आपका एग्ज़ाम होगा, महीने भर एग्ज़ाम चलेगा। तो ये तो पटवारी के संबंध में आपके लिए इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, जो आप लोग उम्मीद करता हूँ कि देख लिए होंगे, जो नहीं देखे हैं वो रूल बुक डाउनलोड कर लीजिए व्यापम के साइट में जाके, और वहाँ से सारी जो बातें हैं वो देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये तो रही इंफॉर्मेशन, और अब हम लोग मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान देखेंगे, है ना। और मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में हम लोग मध्य प्रदेश की क्या देख रहे हैं, योजना एवं मध्य प्रदेश की पंचवर्षीय योजना। हम लोगों ने पिछले 2-3 दिनों से लगातार क्लास कर रहे हैं, हमने शिक्षा के संबंध में जो मध्य प्रदेश सरकार की योजना है उसके संबंध में बात कर ली है, और इसके अलावा स्वास्थ्य से संबंधित जितनी मध्य प्रदेश सरकार की योजना थी उसके संबंध में हमने बात कर ली है। गरीबी से संबंधित योजना, गरीबी मिटाने से संबंधित योजना मध्य प्रदेश की जो है उस पर हमने बात कर ली। SC ST के संबंधित योजना बात कर ली। महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजना की हमने बात कर ली। अल्पसंख्यकों से संबंधित, दिव्यांगजन, इतना हमने अभी तक योजना जो महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश की, ये काफी लंबा टॉपिक है, आपको पता है कि एक एक जो संबंधित योजना है सेक्टर वाइज हम देखे हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप लोगों को अभी तक हमने जितनी भी योजनाएं पढ़ाई होंगी वो सारी आपको समझ में आ गई हैं, और अगर नहीं आई हैं तो अभी भी आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो क्लास से संबंधित तो उसके विषय में बता दीजिए, आपके कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और आज जो है हम देखेंगे कृषि से संबंधित योजना, है ना, कृषि से संबंधित मध्य प्रदेश सरकार की जितनी योजना है। इसके अलावा आज हम जो है पंचवर्षीय योजना के संबंध में भी थोड़ी बहुत बातें चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये आज महत्वपूर्ण है, बेसिक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है पंचायती राज में उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो तैयार हैं आप लोग, ठीक है। अगर कोई डाउट है, आपके कोई सवाल है, आपके कोई प्रश्न है, तो फटाफट जो कमेंट सेक्शन है उस पर आप कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट ले लेता हूँ। उसके बाद हम अगले 1 मिनट के बाद टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और कृषि संबंधित योजना पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी जो हमने कल महिला सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक, दिव्यांग में देखा था उसको भी हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे।
ठीक है, चलिए। चलिए, कुछ योजना में फिर से एक बार महिला सशक्तिकरण के संबंध में, हमने कल जाबाली योजना की चर्चा के लिए करी थी। 2004 में इसका प्रारंभ हुआ था और जो वेश्यावृत्ति से अपनाई हुई महिलाएं हैं उनको बाहर निकालने के लिए लड़के एवं लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा लाडली लक्ष्मी योजना मैंने बहुत अच्छे से कल चर्चा की थी, मैंने बताया था बहुत महत्वपूर्ण, 2007 से प्रारंभ हुआ, मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, परिवार नियोजन अपना लिया हो, आयकर दाता हो और बालिका का वजन 1 जनवरी 2006 के बाद हो तो पात्र योग्यता, और 1 लाख रुपए 21 साल की उम्र में प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये बात हमने कल कर ली थी। इसके अलावा तेजस्वी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना के समय जो मैंने बताया था कि ये पूछा भी गया है कौन सहायता करता है, 2018 के 2019 के प्रदर्शन में पूछा गया तो आईफैट वित्तीय सहायता करता है, 6 जिले से प्रारंभ किया गया, ये बात हम लोगों ने कल कर ली थी। स्वशक्ति योजना के संबंध में भी हमने कल चर्चा की थी, आईफेड और विश्व बैंक की मदद से ये चल रही योजना प्रदेश के 9 जिले में है। ठीक है, इसके अलावा बैंक सखी योजना पे भी हमने बात की, महिला समृद्धि योजना पे भी हमने बात की थी। ठीक है, सखी पहल पे भी हमने बात कर ली, स्वागत लक्ष्मी योजना पे भी हमने कल बात की थी, 2014 में बहुत महत्वपूर्ण है, भोपाल से महिलाओं की स्थिति सुधार के लिए योजना, फोटो कीपर योजना भी हम लोगों ने बताया था कि फोटो कॉपी के व्यवसाय के लिए जो है जो टोटल अमाउंट खर्च होगा उसमें 10% मार्जिन मनी के रूप में प्रोवाइड किया जाए। अल्पसंख्यकों से संबंधित ये योजना बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने बताया था कल 2016 से प्रारंभ हुआ, 55,000 रुपये जो है अमाउंट इसमें दिया जा रहा। ठीक है, इसके अलावा दीनदयाल समर्थ योजना की भी मैंने बात कर ली थी, 2004 से प्रारंभ किया गया, वृद्धजन से संबंधित मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना जो 1 अप्रैल 2013 से प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश सिंगल क्लिक पेंशन वितरण योजना 1 अक्टूबर 2017 से प्रारंभ की गई है और भोपाल से शुरू किया है, ये भी बात हमने कल कर ली है ना। इसके अलावा कृषि से संबंधित बलराम ताल योजना आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर तैयार हो तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। चलिए शुरू करें। शुरू करते हैं कृषि से संबंधित, ये आखिरी सेक्टर है जहां पे हम बात करें, उसके बाद पंचवर्षीय योजना। सबसे पहली योजना है बलराम ताल योजना, बहुत अच्छे से यहां से पढ़ेंगे अपन, बहुत अच्छे से देखेंगे इसको। कौन सी योजना है? बलराम ताल योजना। ठीक है, कब से प्रारंभ की गई है तो याद रखना है 25 मई 2007 से, ये इंपॉर्टेंट डेट है इसलिए इसे याद रखना है आपको। क्लियर, कब से प्रारंभ हुआ है? 25 मई 2007 से। कौन सी योजना? बलराम ताल योजना। इसका उद्देश्य देख लेते हैं, बलराम ताल योजना क्या है। ताल निर्माण मतलब वही तालाब निर्माण के हेतु 50% जो है अनुदान, ठीक है ध्यान रखना, आपको तालाब निर्माण करना है उसके लिए 50% अनुदान, अधिकतम कितना होगा? 80,000, यानी कि चाहे वो 80,000 मान लो या 50% हो जाए, तब जैसे मान लीजिए 1 लाख खर्च हो रहा है, 50% माने तो 50% मतलब 50,000 रुपये,
या अगर आपने 2 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं तब भी आपको 50% के रूप में, यानी कि 1 लाख होता है ना, 1 लाख होता है, लेकिन आपको मैक्सिमम जो अधिकतम लिखा 80,000 ही दिया जाएगा। एवं ठीक है, ST/SC कृषकों के लिए 75% अनुदान अधिकतम 1 लाख रुपए का प्रावधान बलराम दाल योजना में किया गया है। क्लियर है, ये बात समझ में आई या नहीं आई? थोड़ा सा होगा कंफ्यूजन, मैं बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई जनरल का आदमी है या OBC का आदमी है ना, किस तो ये वर्ग का व्यक्ति है, ताल निर्माण करवा रहा है, तालाब का निर्माण करवा रहा है, ठीक है, उसके लिए कितना दिया जाएगा अनुदान? 50%, और अधिकतम कितना होगा? 80,000। और अगर वो ST/ST से है उस स्थिति में 75% अनुदान और अधिकतम 1 लाख रुपए है। क्लियर है ये बात? अब याद रहेगा आप लोगों को अच्छे से। क्लियर, बलराम ताल योजना क्लियर रहेगी, याद रहेगा 25 मई 2007 किस प्रकार से अनुदान। ठीक, चलो दूसरा, खेत तालाब योजना दूसरी योजना है। कौन सी है? खेत तालाब योजना कब से प्रारंभ हुई है? तो 22 मई 2007 से ये योजना प्रारंभ हुई। क्लियर है, 22 मई 2007 याद रहेगा। इसका उद्देश्य क्या है? 22 मई 2007 इंपॉर्टेंट डेट है, इसलिए इसको याद रखना है ना। खेत में वर्षा का जल रोकने में व मेढ़ बनाने के लिए अधिकतम 16,000 रुपए का सरकारी अनुदान सरकार दे रही है। ध्यान रखना है, खेत तालाब योजना 22 मई 2007 से प्रारंभ हुई है और खेत में वर्षा का जल रोकने के लिए एवं मेढ़ बनाने के लिए, आपको पता है कि जो खेत होते हैं, जैसे ये खेत है, चारों तरफ मेढ़ बना दीजिए ताकि पानी रुका रहे, तो इसके लिए और वर्षा का जल किसी भी प्रकार से, जैसे तालाब छोटा सा निर्माण करके आप करना चाहते हैं, तो आपको जो सरकार है वो 16,000 रुपए का सरकारी अनुदान देगी। ठीक है ये बात, चलो याद रहेगा। खेत तालाब योजना तीसरी योजना है हमारी, जल अभिषेक अभियान। कौन सी है? जल अभिषेक अभियान। इसके संबंध में क्या बात है उसको देखते हैं। इसका प्रारंभ जो हुआ है अप्रैल 2007 से हुआ। कब हुआ है प्रारंभ? अप्रैल 2007 से। अप्रैल 2007 से किस योजना का प्रारंभ हुआ है? जल अभिषेक योजना का प्रारंभ हुआ है, याद रहेगा। चलिए आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि जो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं आपके मोबाइल पे स्टोर रहे और आप उसे बीच बीच में देख लिया करो। ठीक है, तो जल अभिषेक योजना अप्रैल 2007 से प्रारंभ हुई है। ठीक है, क्लियर है। चल उद्देश्य क्या है इसके, वो महत्वपूर्ण है, उसको हम देख लेंगे।
प्रदेश में खेती एवं अन्न प्रायोजन, यानी कि खेती एवं जो अन्य कोई भी आपका उद्देश्य हो उसके या काम हो, जल का संरक्षण एवं संवर्धन करने के लिए जल अभिषेक योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, याद रहेगा कब से? अप्रैल 2007 से। खेती एवं अन्न प्रायोजन है तो जल के संरक्षण से, जल अभिषेक है तो आपको याद रखना कि कोई जल से संबंधित योजना रहेगी। ठीक है, क्लियर रहेगा ये? आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है जो मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना, यहाँ से क्वेश्चन बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम कहें बहुत इंपॉर्टेंट योजना है भावांतर भुगतान योजना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा क्योंकि बहुत ही उपयोगी योजना रही है किसानों के लिए। इसका प्रारंभ जो हुआ 2017 से हुआ है। कब से हुआ इसका प्रारंभ? 2017 से। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इसने किसानों के जो दाम होते हैं फसलों को उसको सही तरीके से उनको मिल जाए उस क्षेत्र में बहुत लाभकारी सिद्ध हुई है ये योजना, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन एमपीपीएससी प्रीलिम्स में भी बनेगा, एमपीपीएससी मेंस में भी आपको 3 मार्कर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा चाहे आप एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हो वहाँ भी पूछा जा सकता है, पटवारी की तैयारी कर रहे हो वहाँ भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि अप्रैल 2007 से प्रारंभ हुई है योजना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मंदी मंडी सॉरी ये मंडी है तो मंडी के भाव में उतार चढ़ाव है ना, पता है आपको जो मंडी का भाव होता है, जो गल्ला मंडियां होती है वहां पे फसलें बिकती हैं किसानों की, या अनाज बिकता है या खरीदे जाते हैं, है ना, अनाज जो है मंडियों में खरीदे एवं बेचे जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है, किसानों की जो फसलें हैं उसको हमेशा कम दाम मिलता है, कैसे, हमेशा उतार चढ़ाव होता है, कभी 2,000 रुपये गेहूँ बिक रहा है तो कभी 1,500 बिकने लगता है, तो इस प्रकार से नुकसान होता है। तो उतार चढ़ाव जो होता है मंडियों में तो किसानों को उस उतार चढ़ाव से बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने यह योजना प्रारंभ की है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, यहाँ पे क्या हुआ, एक उद्देश्य हमने देख लिया और एक इसका प्रारंभिक ईयर देख लिया। कब से हुआ है प्रारंभ? ये 2017 से। ठीक है, पांचवी हमारी योजना है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। कौन सी है योजना? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, ये हाल ही की योजना है इसलिए ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो ईयर है इम्पोर्टेंट याद रखना आपको, सितंबर 2020। ठीक है, कब से प्रारंभ हुई है? सितंबर 2020 से। याद रहेगा, इसे याद रखना है, सितंबर 2020 इम्पोर्टेंट ईयर है जब ये किसान मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना प्रारंभ होती है, हाल ही की योजना है इसलिए महत्वपूर्ण, कोविड काल में या कोविड के बाद हम कहें थोड़ा सा जब शांति थी उस समय। ये उद्देश्य क्या है? 10,000 प्रतिवर्ष किसानों को प्रदान करके उनकी आय में वृद्धि करना है या सुधार करना है। ठीक है, याद रहेगा ये? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अच्छे से याद रहेगी, मुख्यमंत्री भावांतर योजना अच्छे से याद होनी चाहिए। यहाँ तक कोई किसी को डाउट या आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता दीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए, आई होप सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हमारी योजना है पंच परमेश्वर योजना। कौन सी? पंच परमेश्वर योजना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इसे भी याद रखना है। इसका जो प्रारंभ हुआ है 9 जनवरी 2012 से हुआ। कब से? 9 जनवरी 2012 से। कौन सी योजना? पंच परमेश्वर योजना। इसका उद्देश्य क्या है उसे याद रखना। गांव के विभिन्न जिम्मेदारियों को ग्राम पंचायत बेहतर तरीके से निभा कर सके, वही इसकी योजना पंच परमेश्वर योजना। गांव की विभिन्न जो भी जिम्मेदारियां हैं उसको बेहतर तरीके से निभाएं ग्राम पंचायत, ये पंच परमेश्वर योजना है। कब हुई है स्टार्ट? 9 जनवरी 2012 से, याद रहेगा। चलिए, सातवीं है एक मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना वर्ष 2008 से इसका प्रारंभ हुआ। कब से हुआ है? वर्ष 2008 से। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, याद रहेगा। चल, इसका उद्देश्य क्या है वो देख लेते हैं। इसमें गेहूं, चावल, शक्कर, नमक 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध करवाया जाता है। याद रखना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना 2008 से है। गेहूं, चावल, शक्कर, नमक जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा और 1 रुपए प्रति किलोग्राम के दर से ये योजना के माध्यम से जो है ये अन्न उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, चल अगली योजना है कृषि से संबंधित जलदीप योजना। कौन सी? जलदीप योजना। इसका प्रारंभ आपको 2007 से हुआ। कब से हुआ है? 2007 से। ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। चलिए, तो जल्दी भी योजना 2007 से। उद्देश्य मछुआरों को लाभ पहुंचाना, ध्यान रखना है यहाँ पे। ये मछुआरों के कल्याण के लिए और क्या है, इसका प्रारंभ जो हुआ है इंदिरा सागर जलाशय से हुआ है। इंदिरा सागर जलाशय से हुआ है। ध्यान रखने वाली यहाँ तीन बातें हैं कि जलदीप योजना जो है 2007 से प्रारंभ हुई। कहाँ से? 2007 से। इसका उद्देश्य क्या है? मछुआरों को लाभ पहुंचाने की यह योजना है। ठीक है, तो मछुआरों के कल्याण के लिए कौन सी योजना है अगर आपसे पूछा जाए तो क्या टिक करेंगे? जलदीप योजना। कब से? 2007 से। इसका जो प्रारंभ हुआ है वो इंदिरा सागर जलाशय से शुरू किया गया है। इंदिरा सागर जलाशय कहाँ है आप लोग हमें बताएंगे। हमने जब भी आपकी बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ाई थी, हमने वो टॉपिक लिया था इन सारी चीज़ों को नदी वाले टॉपिक के बाद, तो हमने सारी बातें बताई हुई हैं। आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में, फटाफट आंसर करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इंदिरा सागर जलाशय आपको बताना है, ठीक है, क्लास के बाद हम बताएंगे वापस, लेकिन अभी आपको आंसर करना है इंदिरा सागर जलाशय कहाँ है। फटाफट आंसर करिए, इंदिरा सागर जलाशय का स्थान। चलो, आप बताते रहना कमेंट सेक्शन में, कमेंट कीजिए, मैं उसको देखूंगा। मैं आपको आखिर में बता दूंगा कि इंदिरा सागर जलाशय कहाँ है, ठीक है। अभी आपको कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना, आंसर करना, ठीक है। तो यहाँ ये बात क्लियर है, तीन जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। मछुआरों को ध्यान रखना है, मछुआरों के। नौवीं योजना है हमारी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। सॉरी, कौन सी है हमारी योजना? मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। इसका जो प्रारंभ हुआ है 2013-14 से हुआ है। कब से? 2013-14 से।
इसका प्रारंभ कब से हुआ? 2013-14 से, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। इसका क्या उद्देश्य है वो देख लेते। कृषकों को उन्नत कृषि केंद्रों एवं विज्ञान केंद्र का भ्रमण करवाना, ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे, ये कुछ अलग प्रकार से यहाँ पे काम हो रहा है। पहली बात तो ये है कि 13-14 से स्टार्ट हुई है, ये याद रहेगा आप लोगों को। और जो उन्नत कृषि केंद्र है, जो विज्ञान केंद्र है, कृषकों को वहां पे भ्रमण कराया जाए। भ्रमण का मतलब ये नहीं है कि वो केवल वहां पे घुमाया जाएगा, मजे लेने के लिए घुमवा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे भ्रमण करने का उद्देश्य ये होता है, भ्रमण करवाने का उद्देश्य ये है कि जो किसान है उस किस केंद्र में कैसी चीजें हो रही हैं, है ना, कृषि के से संबंधित जानकारी अर्जित कर पाए इन विज्ञान केंद्रों एवं कृषि केंद्रों के माध्यम से। तो कुल मिला के जागरूकता पैदा करना और उन उनमें जो कृषि संबंधी ज्ञान है, कृषि संबंधी जो ज्ञान है उसको बढ़ाने के लिए यह योजना लाई गई है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, है ना, याद रहेगा 2013-14 से प्रारंभ हुआ। चलिए एक और हमारी जो है कृषि से संबंधित योजना है, और ये है नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना। ये एक प्रकार का प्रोजेक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कृषि से संबंधित इसलिए भी है क्योंकि ये मुख्यतः कृषि के लिए लाभकारी है ना, कृषि के लिए लाभकारी है, इसलिए कृषि संबंधित ये योजना है। इसका प्रारंभ आपको याद रखना है 29 नवंबर 2012, भूलना नहीं है, नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना। हमारे मध्य प्रदेश के छात्र को एक और आंसर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की, हम नहीं ऐसे नहीं, भारत की पहली नदी जोड़ो प्रोजेक्ट कौन सा है, या नदी जोड़ो योजना कौन सी, भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है, ये आपको आंसर करना है। फटाफट आंसर कीजिए, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, भारत की सबसे पहली नदी जोड़ो परियोजना, फटाफट आंसर कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आप आंसर कीजिए, मैं देखूंगा उसको, ठीक है, कमेंट सेक्शन में फटाफट आंसर करिए, आगे बढ़ लेते हैं। तो नर्मदा छिप्रा जो है लिंक परियोजना 29 नवंबर 2012 से प्रारंभ हुआ, इसका उद्देश्य क्या है तो वो देख लेते हैं। नर्मदा नदी के जल को छिप्रा नदी से जोड़कर सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करना, ठीक है, नर्मदा नल में ज्यादा है पानी है नर्मदा नदी में, और जो छिप्रा नदी है उसमें पानी कम है, तो जो इसका नर्मदा नदी का पानी है छिप्रा नदी में मिला के जो सिंचाई व्यवस्था है उसको मजबूत बनाया जा रहा है। कौन सी है? नर्मदा छिप्रा लिंक परियोजना, याद रहेगा। चल अगली योजना है जो महत्वपूर्ण कृषि से संबंधित, मेरा खेत मेरी माटी योजना। मेरा खेत मेरा माटी योजना ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये जो प्रारंभ हुई वो 1 अप्रैल 2014 से प्रारंभ हुई, तो ईयर इंपॉर्टेंट है, सारी जो योजनाएं हैं उसका ईयर बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बार बार रखना पड़ेगा। इसलिए योजना से संबंधित जो भी वीडियो है आप लगातार उसे 2 बार 3 बार कम से कम जरूर देखिए, ठीक है, तभी इतनी सारी योजनाओं के डेट्स आपको पता रहेंगे, नहीं तो कन्फ्यूज़न बहुत होगा। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं, जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, है ना, जो भी हमने वीडियो में महत्वपूर्ण योजनाएं कवर की हैं,
आप उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए ताकि वो बार बार रिवीजन के काम आए, या तो आप वीडियो बार बार देख लीजिए। ठीक है, तो मेरा खेत मेरी माटी योजना 1 अप्रैल 2014 से प्रारंभ हुई। इसका उद्देश्य ये है कि खेतों में तालाब निर्माण हो जाए और खेतों का समतलीकरण हो जाए, उसके लिए जो है सहायता दी जाती है। मेरा खेत मेरी माटी योजना 1 अप्रैल 2014 से किसके लिए? तालाब निर्माण एवं खेतों के समतलीकरण के लिए। क्लियर है यहाँ तक बात? याद रहेगा आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। अगली जो योजना है हमारी महत्वपूर्ण, वो है जय किसान ऋण माफी योजना। जय किसान ऋण माफी योजना, ये कमलनाथ सरकार ने जो 1 साल के लिए आई थी, है ना, आपको पता ही है, बीच में फिर से वापस चली गई वो सरकार, तो उसने प्रारंभ किया था। आपको पता है किसानों के मुद्दे पे उन लोगों ने ये बोला था कि हम जो किसानों के ऋण है उसको माफ करेंगे, और जब वो सरकार में आए तो ऐसी योजना लेके आए, जय किसान ऋण माफी योजना 2019 से, याद रहना चाहिए 2019 से। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था किसानों का जो अल्पकालिक ऋण उन लोगों ने लिया हुआ है उसको माफ कर दिया जाए। ठीक है, याद रहेगा यहाँ तक? याद रहेगा जय किसान ऋण माफी योजना प्रारंभ किया है 2019, किसानों का अल्पकालिक ऋण माफ करना। चलो, मध्य प्रदेश पानी रोको अभियान, मध्य प्रदेश पानी रोको अभियान, इसका जो प्रारंभ ईयर है 2001 है। 2001 से जो है मध्य प्रदेश पानी रोको अभियान प्रारंभ किया गया है। याद रहेगा मध्य प्रदेश पानी रोको अभियान का ईयर याद रहेगा 2001। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य ये है कि सूखे से निपटने के लिए, पानी रोकने का मतलब क्या है, पानी रोका रहे तो खेतों में पानी उपलब्ध हो जाएगा, तो उसका फायदा यह है कि जो सूखा है उससे निजात मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं। 2001 से सूखे से निपटने हेतु तो हमारी अगली योजना, जो योजना है कृषि से संबंधित, तो अटल ज्योति अभियान है। कौन सी है? अटल ज्योति अभियान 9 मार्च 2013 से, कब से? 9 मार्च 2013, ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए आपको। कहाँ से स्टार्ट किया गया है? तो सहडोल नामक स्थान से ये स्टार्ट किया गया, अटल ज्योति अभियान। याद रहेगा ये 9 मार्च 2013 आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ये इम्पोर्टेंट रहेगी अटल ज्योति अभियान। इसके तहत हुआ क्या है
इसके तहत हुआ ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके उनके घरों में 24 घंटे खेती के लिए जो होता है, कम से कम 10 घंटे जो है खेती के लिए बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है। 24 घंटे में जो 10 घंटे है ना ग्रामीण क्षेत्रों में, वो एग्रीकल्चर में आप उसका इस्तेमाल कर पाए, ऐसे समय पे जो है वो आपको बिजली देने का प्रावधान किया गया है। क्लियर है? अटल ज्योति अभियान याद रहेगा आप लोगों को, याद रहेगा? आगे बढ़े। अब हम देखेंगे अपना आज जो है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पंचवर्षीय योजना। अभी तक हम लोगों ने जो योजनाएं देखी, पंचवा हमारा जो टॉपिक था पंचवर्षीय योजना एवं मध्य प्रदेश सरकार की योजना, योजना से संबंधित हमने सेक्टोरल वाइज करीब 7-8 सेक्टरों में योजना को डिवाइड करके लगभग 3 से 4 दिन में योजनाओं को खत्म किया है। शिक्षा के क्षेत्र से, स्वास्थ्य से क्षेत्र से, गरीबी के क्षेत्र से, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र से, अल्पसंख्यकों के क्षेत्र से, इसके अलावा दिव्यांगजन, इन सभी क्षेत्रों से, इसके अलावा आज जो हमने चर्चा की कृषि से संबंधित, तो बहुत सारा जो है जितने भी सेक्टर थे उसमें महत्वपूर्ण जितनी भी योजना मध्य प्रदेश सरकार की है, हमने वो सारी की सारी जो है प्रयास किया है कि आप लोगों को अवगत करा दें। और उम्मीद है कि जितना अभी तक हम लोगों ने योजना के संबंध में टॉपिक पढ़ा है 3 से 4 दिन, उसमें सारी जो चीजें हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, सारे कॉन्सेप्ट, सारे फैक्ट, सारे डेट्स आपको अच्छे से रटा गए होंगे। अगर नहीं भी है तो आप वीडियो को वापस से देख के आप उसे बार बार रिवाइज करने का जरूर प्रयास करें। इसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है अभी भी क्लास के संबंध में, या कोई डाउट है, ठीक है, योजनाओं के संबंध में, आपका कोई भी सजेशन हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आज जो थोड़ा सा हम देखेंगे उसके बाद हम खत्म करेंगे आज की क्लास, पंचवर्षीय योजना 5-ईयर प्लान आपने सुना होगा, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले से भी, इसके अलावा मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन बने हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं पंचवर्षीय योजना से। इसको भी हम थोड़ा सा बेसिक आज देख लेते हैं क्या है, उसके बाद हम कल भी देखेंगे इस टॉपिक को। अर्थ क्या है? अर्थ सिंपल सा है, पंचवर्षीय योजना है ना, 5 वर्ष के लिए योजना बनाना, वही है कि राज्य के अगले 5 वर्ष के लिए योजना का निर्माण करना, वही पंचवर्षीय योजना कहलाती है। क्लियर रहेगा आप लोगों को? चलो दूसरी बात, इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या है, मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल ये एक संस्था है, कौन सी? मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल, इसका गठन हुआ है 24 अक्टूबर 1972। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, एमपीएसआई में भी आ चुका है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है, ये देख लेना आप प्रीवियस ईयर का पेपर, ठीक है। तो मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल की स्थापना डेट पूछी गई, जिसे आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, 24 अक्टूबर 1972। 24 अक्टूबर 1972 को राज्य योजना मंडल का जो है वो गठन किया गया। अब ये राज्य योजना मंडल करती क्या है? वैसा तो नहीं कि सिंपल केवल गठन कर लिया गया और छोड़ दिया, यही एक संस्थान है, यही एक संस्था है मध्य प्रदेश की, जो योजना निर्माण में काम करती है, योजना निर्माण के हेतु काम करती है। तो योजना निर्माण में कौन सी संस्था काम करती है अगर आपसे पूछा जाए, तो आप क्या टिक करेंगे? मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल। कब निर्माण हुआ या गठन कब हुआ? 24 अक्टूबर 1972, याद रहेगा ये। चलो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री पदेन, पदेन अध्यक्ष इनके कौन है? मुख्यमंत्री, याद रहेगा 24 अक्टूबर 1972, याद रहेगा स्थापना। अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो तुरंत आप टिक करेंगे मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष है, क्लियर है। पहली बार अध्यक्ष कौन बने थे? क्योंकि 1972 में पहली बार योजना मंडल बना और प्रावधान ये है कि मुख्यमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे, तो उस समय जो मुख्यमंत्री थे हमारे मध्य प्रदेश के, प्रकाश चंद्र सेठी जी थे, और प्रकाश चंद्र सेठी जी ही उस समय इसके अध्यक्ष बनते हैं, याद रहेगा। अगर आपसे योजना मंडल का पहला अध्यक्ष पूछा जाता है तो आप प्रकाश चंद्र सेठी टिक करेंगे। उस समय के उपाध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था दयाराम नाग उस समय उपाध्यक्ष थे, ठीक है, क्लियर है यहां तक बात। चलिए वर्तमान अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो मैंने पहले ही बता दिया कि मुख्यमंत्री होंगे पदेन अध्यक्ष, तो वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, वही है वर्तमान में पदेन अध्यक्ष राज्य योजना मंडल, ठीक है। लेकिन अब ये राज्य योजना मंडल नहीं है, इसका 2020 में नाम बदल दिया गया है, ये नाम बदला गया है इसलिए महत्वपूर्ण है। अब जो राज्य योजना मंडल, उसका नाम है राज्य नीति एवं योजना आयोग, राज्य नीति एवं योजना आयोग, बहुत अच्छे से याद रखना है, राज्य योजना मंडल अब नहीं पूछेगा, राज्य नीति आयोग पूछेगा, राज्य नीति एवं योजना आयोग पहुंचेगा, जिसका नामकरण हुआ है 2020 में, नाम बदला गया, ठीक
ठीक है। आपको पता है कि मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई है, 1 नवंबर 1956। इसलिए जो मध्य प्रदेश में आर्थिक नियोजन है उसका जो प्रारंभ हुआ है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में जो भारत में योजना बनी 1951 में पहली योजना बनी है ना, फिर 56 में दूसरी योजना बन गई, तो इस प्रकार से जो 61 में तीसरी योजना बनती है उस योजना से मध्य प्रदेश की एग्जैक्ट भागीदारी प्रारंभ होती है। तीसरी योजना, ये क्वेश्चन बन चुका है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2018 में, आप जाके चाहे देख लेना, प्रीवियस ईयर का पेपर पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में वास्तविक रूप से कौन सी योजना प्रारंभ हुई थी, पहली दूसरी तीसरी चौथी, तीसरी योजना वास्तविक रूप से मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुई है, ये बात आपको याद होना चाहिए, याद रहेगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब बनी, लेकिन ये मध्य प्रदेश से इसका बहुत संबंध नहीं है, बहुत का कुछ भी संबंध नहीं है, लेकिन बस आपको याद रखना 1951 से 1956 तक भारत में पहली योजना बनी तो पंचवर्षीय योजना, उस समय मध्य प्रदेश का कोई अस्तित्व नहीं था, ठीक है। उस समय हुआ क्या क्या है वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। उस योजना के समय मध्य प्रदेश भले नाम नहीं था, लेकिन क्या क्या हुआ था, 1953 में एक चांदनी ताप विद्युत केंद्र जो बुरहानपुर में है उसकी स्थापना हुई थी उसी योजना के तहत, ठीक है। दूसरी जो हुई थी इम्पोर्टेंट बात हुई थी वो गांधी सागर योजना, मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना है, पता है ना गांधी सागर कहाँ पे है, मंदसौर, याद होना चाहिए आप लोगों को, मंदसौर है ना गांधी सागर। तो जल विद्युत और ताप विद्युत दोनों ही परियोजना पहली विद्युत जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत मध्य प्रदेश में स्थापित हुई, भले ही उस समय मध्य प्रदेश का नाम नहीं था। 1953 में जबलपुर में ही ग्रे आयरन फैक्ट्री की भी स्थापना हो गई थी, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना। इतनी बातें याद रहेंगी कि नहीं। आज हम लोगों ने कृषि से संबंधित सारी जितनी योजना थी वो पढ़ ली, इसके अलावा जो पंचवर्षीय योजना है उसके संबंध में बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली है हम लोगों ने। आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर कोई नई चीज़ें क्लियर हैं या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आंसर देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। आई होप कि आज का जो क्लास है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जो लिंक है वीडियो को उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और अभी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नए नहीं अभी तक किया नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई, और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जो क्लास संबंधी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। इसके अलावा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम आपको टेस्ट सीरीज के संबंध में दे देते हैं, फिर से मैं लगातार बता रहा हूँ आपके लिए लाभप्रद है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है MPPSC 2021 मेंस के लिए, 75% अभी डिस्काउंट है, 2499 में आप टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। परचेस करने का तरीका है PSC अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां से टेस्ट सीरीज के सेक्शन में जाकर टेस्ट सीरीज को परचेस कर लीजिए। 9617745037 पे भी कॉन्टैक्ट करके आप टेस्ट सीरीज के संबंध में जानकारी परचेस कर सकते हैं। 23 टेस्ट हैं टोटल, इसमें 11 सब्जेक्ट वाइज 12 FLT टेस्ट है, हिंदी माध्यम में टेस्ट सीरीज है, मॉडल आंसर हम आप लोगों को देंगे और समर्पित जो विशेषज्ञ टीम है वो आपको सीरीज लाइव आप कभी भी टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रही इन्फॉर्मेशन, क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना है आपको कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक करना है।